अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो कहते थे कि इस्लामाबाद में दाखिल होकर दिखाएं, उनके लिए ये है। आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। 26 सितंबर का मुकाम है, सामने रेंजर मौजूद है और शदीद सेलिंग की जा रही है और इन कारकुनान की जानब से उस सेलिंग का सामना किया जा रहा है। ये मनाजर है जी, इस टाइम यहाँ के 26 नंबर के मोटरवे क्रॉस कर लिया है इस्लामाबाद में। तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में दाखिल हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं काफले इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। सामने रेंजर्स के अहलकार हैं जो शैलिंग कर रहे हैं, शदीद शैलिंग जारी है और इस तरफ आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डट कर खड़े हैं और इस शैलिंग का सामना कर रहे हैं। अब मैं आपको जरा शैलिंग के मनाजर दिखा दूँ। आप ये देख सकते हैं जी, इस तरफ रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार हैं, शदीद शैलिंग जारी है। गुज़िश्ता रात को जिस तरह शैलिंग की गई आपको दिखाया, और सामने आप देख सकते हैं जी तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। सामने आप उस शर्ट वाले नौजवान की तरफ देखें और आप देख सकते हैं जी आगे नौजवान मौजूद हैं जो डट कर खड़े हैं। और ये देखिएगे, ये देखें नौजवान हैं, डट कर खड़े हैं, रेंजर्स की शैलिंग का डट कर मुकाबला किया जा रहा है। ये इस टाइम इस्लामाबाद में इनकलाब का मंजर है जी। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच चुके हैं और ये मोटरवे से उतर के जब 26 सितंबर के मुकाम पे जाया जाता है, ये वो मुकाम है। और ये देखें जी, ये चाचा जी की तरफ देखें, शैल पकड़ के दोबारा वापस फेंका गया है। सो ये मंजर आप देख सकते हैं, ये मंजर है जी इस टाइम इस्लामाबाद का। सामने इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार हैं, रेंजर्स के अहलकार हैं और इस तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं जो इनकी शैलिंग का सामना कर रहे हैं। आप ये मंजर देख सकते हैं, सामने आप देखें जी, आपको रेंजर्स नज़र आ रही होगी, रेंजर्स के अहलकार नज़र आ रहे होंगे, इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार नज़र आ रहे होंगे जो शैलिंग कर रहे हैं। और इस तरफ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डट कर खड़े हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन से आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन से आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं, जो सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद की। सामने आपको रेंजर्स नज़र आ रही है, इस्लामाबाद पुलिस नज़र आ रही है, इस तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। ये देखें जी, मशीनरी अब आगे जा रही है, आगे जाने लगी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के भागने का वक्त हुआ जाता है, अब वो आगे पीछे हटने लग गए हैं। इस तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, इस तफ्तीश दौरान शदीद सेलिंग की जा रही है और अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। तमाम लोगों के लिए, मोहसिन नकवी के लिए ये इतला है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। ये इस्लामाबाद की सड़क है, ये मोटरवे की सड़क नहीं बल्कि इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे जिसे कहा जाता है, ये वो हाईवे है। 26 सितंबर का मुकाम है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। दिखाइए, ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन से डट के मुकाबला कर रहे हैं। ये देखें, खेल रहे हैं, उस तरफ दिखाएं, जबरदस्त सेलिंग हो रहा है। पुलिस की जानब से, रेंजर्स की जानब से शदीद सेलिंग जारी है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन से डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जज्बा, ये जनून है, रेंजर्स की जानब से शदीद सेलिंग जारी है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन से डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जज्बा, ये जनून है, आज नगरी साहब ये देख लें, ये जज्बा है, ये इस्लामाबाद में जज्बा है। ये मोटरवे नहीं, आपने कटी पहाड़ी पे शैलिंग की, लोगों ने वो क्रॉस करके दिखाई। और अभी आप यहाँ का ये मंजर देख सकते हैं, नारा तकबीर, अल्लाह
अल्लाह अकबर की सदाएं हैं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लग रही हैं। और यहाँ तहरीक-ए- इंसाफ के कारकुनान डट के मुकाबला कर रहे हैं, रेंजर्स की शेलिंग का, पुलिस की शेलिंग का कारकुनान आगे बढ़ने लगे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं शेलिंग का सामना करते हुए। इस्लामाबाद का उस्ताद बनाकर दिखा रहे हैं, ये किया जा रहा है, ये फसलत की जा रही है, ये जबर है। लेकिन आपने देखा किस तरह तरीके साहब के कारकुनान डट कर चले गए। आपको दिखाते रहेंगे, ये जो मर्जी कर ले, ये शैलिंग क्या कुछ भी कर ले, आपको दिखाएंगे किस तरह ये अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अवाम करने क्या आई है, एहतजाज करने आई है। आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ कारकुनान डट कर करे हैं और आपको फ्रंट लाइन से आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं, इनकी सूरत हाल दिखा रहे हैं, इनके जुल्म के आगे, इनकी फसाइयत के आगे, इनके जबर के आगे एक मुस्कुराहट ही काफी है। तो देख सकते हैं जी रेंजर पुलिस ये सूरत हाल है इस टाइम इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की सड़कों की। यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान है वो बाहर आ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान डट कर इनका मुकाबला कर रहे हैं। सामने से शदीद शेलिंग अभी तक जारी है, मोटर वे क्रॉस कर ली गई है। ये कहते थे इस्लामाबाद पहुंचना है, इस्लामाबाद तो पहुंच गए हैं। आप थोड़ा इंतजार करते थे वहाँ, थोड़ा सा आगे डी चौक है, डी चौक पहुंच के आपको दिखाएंगे कि डी चौक का क्या मंदिर है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपको दिखाते रहेंगे, ये जो मर्जी कर ले, ये शैलिंग क्या कुछ भी कर ले, आपको दिखाएंगे किस तरह ये अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अवाम करने क्या आई है, एहतजाज करने आई है। आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ कारकुनान डट कर करे हैं और आपको फ्रंट लाइन से आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं, इनकी सूरत हाल दिखा रहे हैं, इनके जुल्म के आगे, इनकी फसाइयत के आगे, इनके जबर के आगे एक मुस्कुराहट ही काफी है। तो देख सकते हैं जी रेंजर पुलिस ये सूरत हाल है इस टाइम इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की सड़कों की। यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान है वो बाहर आ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान डट कर इनका मुकाबला कर रहे हैं। सामने से शदीद शेलिंग अभी तक जारी है, मोटर वे क्रॉस कर ली गई है। ये कहते थे इस्लामाबाद पहुंचना है, इस्लामाबाद तो पहुंच गए हैं। आप थोड़ा इंतजार करते थे वहाँ, थोड़ा सा आगे डी चौक है, डी चौक पहुंच के आपको दिखाएंगे कि डी चौक का क्या मंदिर है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।